हे सो आज हम फाइनली अपना पहला रस्ट का कोड लिखने वाले हैं। क्या सोच रहे हो, कोई मीम नहीं आई? थोड़ा मीम से ध्यान हटाओ और पढ़ाई में ध्यान दो। अभी मैं क्या हूँ, रस्ट की डायरेक्टरी में हूँ, यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। एक वेरिएबल है उसको इग्नोर कर सकते हो। हम क्या करेंगे, मैंने कार्गो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। कार्गो कहाँ से इंस्टॉल करना, तुम अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे rust-lang.org, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में तुम्हें ये कर्ल है, इस कर्ल को यूज करके तुम कार्गो इंस्टॉल कर सकते हो। अपना फर्स्ट रस्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कार्गो न्यू, लेट्स से इसका नाम रखते हैं हम हेलो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बन जाएगा ये। तो अगर अभी इसमें देखें तो हमारे पास एक हेलो का है, सीडी इनटू हेलो। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या, एक तो cargo.toml है एंड सोर्स है, इसको अपने वीएस कोड में खोल लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ना जावास्क्रिप्ट से रिलेट करता रहूंगा, तुम्हें इजी होगा समझने में। cargo.toml क्या है, ये है हमारा package.json बेसिकली, इसमें सारी डिटेल्स होंगी, मेटा डेटा इसका। गेट इग्नोर तुम्हें बताइए अगर तुम गेट यूज करते हो तो। सोर्स में हमारा क्या आएगा, main.rust। अभी main.rust क्या है, जहां से हमारा रस्ट स्टार्ट होगा। तो अभी इसके अंदर ऑलरेडी एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर से रस्ट स्टार्ट होगा। जैसे Node.js में हम बताते हैं ना index.js करके या index.ts, npm start, इसमें main.rs is the entry point। तो अगर मैं अभी इसको रन करने के लिए कार्गो रन करूंगा, ये कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद इसने एक टारगेट वो बनाया, टारगेट फोल्डर के अंदर debug/hello। अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा debug/hello, ठीक है, ये मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट होकर प्रिंट हो गया, ठीक है, डन, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने रिज्यूमे में बैकएंड में यहाँ पे डालना है रस्ट, और एक्सपीरियंस के अंदर लिखना है तुम्हें हैंडल्ड बैकएंड इन रस्ट फॉर 1 ईयर एंड माइग्रेटेड बैकएंड फ्रॉम Node.js to Rust, which improved the performance by 69%, and all set.